नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, नर्सिंग भर्ती 2013 की जो प्रमुख मांग है इसको लेकर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं बता दूं 11,233 पद, जिसमें एनएम के 6,719 पद और जीएनएम के 4,514 पदों को लेकर यहाँ पर काफी लंबे समय से संघर्ष किया है अभ्यर्थियों ने। कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल, एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर 11,233 पदों को पुनः सृजित किया और भर्ती प्रारंभ की। लेकिन दोस्तों, एक से डेढ़ साल होने के बाद भी यहां पर भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। मैं बता दूं, इस भर्ती को लेकर डॉक्टर बीडी कल्ला की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ, जिसमें 11,233 पद पुराने पदों पर भर्ती की जाए या नए पदों पर भर्ती की जाए, पुराने आवेदनों के साथ भर्ती की जाए या नए आवेदन लिए जाए, इसको लेकर यहाँ पर मंथन हुआ। और बीडी कल्ला की अध्यक्षता में जो कमेटी का निर्माण हुआ, उसने आज जो अपनी रिपोर्ट है वो सीएम गहलोत को यहाँ पर सौंप दी है। मैं बता दूं, सब कमेटी की रिपोर्ट यहाँ पर तैयार हो चुकी है, यहाँ पर गहलोत साहब को सौंप दी गई है। अब यहाँ पर निर्णय कैबिनेट में होगा कि पुराने आवेदनों के साथ, आवेदकों के साथ भर्ती की जाए या नए आवेदन लिया जाए, पुरानी भर्ती की जाए या नई भर्ती की जाए। अब दोस्तों, संपूर्ण जो फैसला है वो यहाँ पर कैबिनेट में होगा। और मैं बता दूं दोस्तों, बजट से पूर्व यहाँ पर ये रिपोर्ट सौंपना जो नर्सिंग भर्ती 2013 को लेकर पॉजिटिव संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। मैं बता दूं, 11,233 पदों पर पिछली सरकार ने जो पदों की कटौती कर दी, लेकिन वर्तमान कांग्रेस सरकार के एक साल पूरा होने के कार्यकाल की खुशी में सीएम गहलोत ने इन पदों को पुनः सृजित किया। क्या है पूरी अपडेट, आइए जान लेते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट इंडिया के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की अपडेट है, लंबित नर्सिंग भर्ती में पिछली सरकार द्वारा पद कटौती का मामला। नर्सगण द्वितीय के 4,514 पद और एनएम के 6,719 पद, इन पदों को फिर सृजित करके पढ़ने के लिए प्रतिनिधि मंडलों ने ज्ञापन दिए। इसके परीक्षण के लिए आज कमेटी की यहां पर बैठक हुई। और दोस्तों, मैं बता दूं, कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है वो सीएम गहलोत को यहां पर सौंप दी है। कांग्रेस सरकार ने किए थे पद सृजित, पिछली सरकार ने कर दी थी कटौती, भर्ती को जारी रखा जाए या नहीं, पहले के आवेदन को रखते हुए भर्ती की जाए या नहीं, इसी को लेकर कमेटी ने रिपोर्ट तैयार की है और सीएम को सौंपी जा रही है रिपोर्ट। अब कैबिनेट में मामला रखकर होगा निर्णय। तो दोस्तों, यहाँ पर कैबिनेट जो कमेटी है, जो उप समिति है, उसका यहाँ पर फाइनल डिसीजन हो चुका है भर्ती 2013 को लेकर। अब यहाँ पर कैबिनेट में मामला रखा जाएगा और उसके बाद में भर्ती की जाए या नहीं भर्ती की जाए, पहले के आवेदनों के साथ की जाए या नए आवेदन किए जाए, इसको लेकर यहाँ पर चर्चा होगी। और बाद में जो अंतिम जो निर्णय है वो सीएम गहलोत का होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर नर्सिंग भर्ती 2013 के जो अभ्यर्थी थे पिछले 7 से 8 सालों से 11,233 पद, जिसमें जीएनएम के 4,514 और एनएम के 6,719 पदों पर भर्ती की मांग कर रहे थे, इसी को लेकर वर्तमान कांग्रेस सरकार के एक साल पूरा होने पर 11,233 पदों को पुनः सृजित किया, लेकिन एक साल होने के बावजूद भी यहाँ पर भर्ती प्रारंभ नहीं हो सकी। इस भर्ती को लेकर कैबिनेट कमेटी का भी यहाँ पर गठन हुआ। कैबिनेट कमेटी ने आज अपनी बैठक करके जो फाइनल रिपोर्ट है वो सीएम गहलोत को यहाँ पर सौंप दी है। अब जो फाइनल जो डिसीजन है वो यहाँ पर कैबिनेट में रखा जाएगा निर्णय, और कैबिनेट में निर्णय रखकर जो फाइनल डिसीजन सीएम गहलोत लेंगे, इसके बाद में यहाँ पर जो भर्ती है वो यहाँ पर पुनः प्रारंभ होगी। दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।